कुल्लू जिला मुख्यालय में फोरलेन प्रभावितों ने ऐतिहासिक रथ मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक सरकार के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान फोरलेन प्रभावितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभावितों ने सरकार पर घोषणा पत्र में किए गए वादे न निभाने का आरोप लगाया। इस दौरान उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग के माध्यम से मां महिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। वहीं फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 4.5 वर्षों में फोरलेन प्रभावितों को मात्र आश्वासन दिया है। ऐसे में भाजपा सरकार ने 2017 विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्र में फोरलेन प्रभावितों के साथ 4 गुना मुआवजा का वादा किया था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से फोरलेन प्रभावित पिछले 7 सालों में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए हैं, ऐसे में अगर सरकार ने 1 सप्ताह के भीतर फोरलेन प्रभावितों के मुद्दे के समाधान को लेकर और 4 गुना मामले को लेकर कोई ऐलान नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश में 2013 वर्ष में भूमि अधिग्रहण कानून बड़ा सुंदर लाया गया, जिसको लागू करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकारों की थी। पूर्व में ना तो कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में इसको लागू किया और वर्तमान सरकार ने भी इसको लागू नहीं किया, जबकि इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में भी अपने अपने वक्तव्यों में भी बार बार लोगों से वायदा किया था कि लोगों की मांगों को माना जाएगा और लोगों की जमीनों को उचित मूल्य दिया जाएगा, 4 गुना मुआवजा मिलेगा। वो तो मिला नहीं, उसके साथ साथ ऊपर से टोल प्लाजा थोप दिए, ऊपर से TCP कानून, रोड साइड कंट्रोल एक्ट, 8-8 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता, सड़कें अधूरी है, सड़कों में डंगे नहीं लगे हैं, सड़कों में कहीं सीमेंट जहाँ भी लगा कहीं उसकी क्योरिंग नहीं हुई है, सड़कें बनाई गई तो ब्लैक स्पॉट इतने हैं कि रोज जान माल की नुकसान हो रहा है, बस स्टॉपेज नहीं है, रेन शेल्टर्स नहीं है और सड़कों का पानी लोगों की जमीनों को जा रहा है। जमीनें सड़क में जो गई सो तो गई और उस पानी के कारण लोगों की जमीनें भी तबाह हो रही है और नीचे की तरफ पानी जा रहा उससे तो तबाह हो रही है, ऊपर की तरफ भी रोजन हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है और ये वादे कर रहे हैं, रोज ये इसी सड़क से गुजरते हैं तो ना तो विपक्ष ने कोई आवाज उठाई, जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, ना उन्होंने अपने समय में इसको कुछ किया लोगों के रात में, और सत्ता पक्ष तो पूरी तरह दोषी है। पिछले कल मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने उनसे विनम्र आग्रह किया था कि आचार संहिता लगने वाली है चुनाव की, आज आपको अवसर है, आज आपने इस कुल्लू के ढालपुर मैदान में बड़ा पंडाल सजा रखा है, उस मंच से आप घोषणा कर दें कि हम भाई इसको हफ्ते 10 दिन के अंदर आचार संहिता से पहले पहले आप इसको लागू करो। उन्होंने सर्किट हाउस में हमको कहा हो जाएगा, बस जल्दी करेंगे। हमने कहा यही बात आप अगर मन सच्चा है, ये बात हम मन से बोली है, लेकिन अफसोस उन्होंने एक शब्द नहीं कहा।